नमस्ते दोस्तों, वापस आ चुके हैं ओमजी वर्ल्ड में। तो आजकल मैं आपको खूब सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में बता रहा हूँ। तो आज मैं आपको एक दाल के पास लेकर आया हूँ, तो इसको कहते हैं लोबिया। तो ये जो लोबिया, इसके खूब फ़ायदे हैं। तो ये आप देख रहे होंगे जो मधुमक्खियाँ अभी इनका रस चूस रही हैं, तो जैसे चूसेंगी तो अपने छत्ते पर जाके उल्टियाँ करेंगी, और फिर जो लोग आते हैं, फिर लोग आके इनके शहद को लेंगे और वो शहद हमें खूब सारा फ़ायदा देंगी। हर एनिमल हमें खूब सारा फ़ायदा देते हैं, तो ऐसी मधुमक्खियाँ भी हमें खूब सारा फ़ायदा देती हैं। अब लोबिया के बारे में स्टार्ट भी कर देते हैं। चलो, तो अभी मैं यहाँ पर हूँ, अभी लोबिया के फ़ायदे बताना स्टार्ट करता हूँ। आज मैं आपको इसके 10 बेनिफिट्स बताने वाला हूँ। पहला बेनिफिट, कैंसर। कैंसर बहुत लोगों को होता है, तो कैंसर से बचने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको घबराहट भी होती है और बहुत ज़्यादा गंदी बीमारी भी है जो नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप इसको खाइए, आपकी कैंसर की बीमारी सही होगी। और कोलेस्ट्रॉल आजकल बहुत से मोटे लोग हैं जो पिज़्ज़ा बर्गर खा के अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। तो हमें कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए ये खानी होगी, ताकि हम लोग को हार्ट अटैक ना आए। अगर हमारे अंदर अच्छा कोलेस्ट्रॉल होगा तो हमें हार्ट अटैक नहीं आएगा, लेकिन जैसे हमारे अंदर गंदा कोलेस्ट्रॉल आना इकट्ठा हो गया तो हम में हार्ट अटैक आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए प्लीज़ कह रहा हूँ, जिसका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इसको खाइए, अपना अच्छा कोलेस्ट्रॉल लाइए। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वैसे आप इसको खाइए, ये भी ग्रीन वेजिटेबल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। इसको गायों का मटर भी कहा जाता है, तो जो गाय होती है गायों का मटर होता है, गाय इसको खाती हैं। और एनीमिया, तो जिन लोगों का खून कम बनता है उनको एनीमिया हो जाता है, तो आप इसको खाइए, एनीमिया आपका सही हो जाएगा। लेकिन जो एनीमिया है वो एक ख़तरनाक बीमारी है, जिन लोगों का खून कम बनता है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए कह रहा हूँ आप प्लीज़ इसको खाइए, अपना एनीमिया सही रखिए, ज़्यादा कम मत करिएगा, मतलब कि आपका खून अच्छा खासा बनना चाहिए। इसको खा के एनीमिया को हराइए। और डायबिटीज़, आजकल डायबिटीज़ तो बहुत ही ज़्यादा फैल रही है, और डायबिटीज़ को कम करने का ये भी एक इलाज है। तो इसको खाइए और आपका डायबिटीज़ सही करिए, और आपकी जो इससे बोन्स होती है ना, बोन्स वो स्ट्रांग हो जाती है। जैसे आजकल अभी मैं नीचे गिर गया था, तो अभी मैंने ये खाई और मैं एकदम ताकतवर बन चुका हूँ, और मैं अंदर बोलने की शक्ति आ चुकी है, और आपको उसके फ़ायदे बता सकता हूँ मैं, इतनी ज़्यादा ताकत आ गई। इसलिए कह रहा हूँ उसको खाइए और अपनी हड्डियाँ मजबूत कीजिए। इसमें वेट, आजकल लोग मोटापे की वजह से ही बढ़ रहे हैं। एक होता है कोलेस्ट्रॉल जिससे बढ़ते हैं, मतलब कि कैसे समझाऊँ, हाँ ऐसे समझाता हूँ कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो गंदा कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है जब मोटे होते हैं, लेकिन जब आपके अंदर अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, जब भी आप मोटे होते हैं तो मोटे होने से आप रोकिए। अगर आपको पतला होना है तो उसको खाइए, आप पतला ऐसे होंगे ना, ऐसे होंगे पतला कि आपको पता नहीं चलेगा भाई हम तो पतले हो गए, पतले अब आपको ऐसा लगेगा कि भाई हम इतनी जल्दी पतले हो गए। ओम जी वर्ड ने तो सही बताया गाइस, मैं आपको जो भी चीज़ बताता हूँ एकदम सही, अच्छी और एकदम अच्छी चीज़ बताता हूँ, सही चीज़ बताता हूँ। और इसमें विटामिन ए और सी होता है, ए से हमारी आइज अच्छी होती हैं और सी से हमारी अच्छी होती है। तो इस बात से आप इसको खाइए, विटामिन ए विटामिन सी अपना बढ़ाइए। और जो ये देख रहे हैं मुँह, अगर आपको अपने फेस में ग्लो लाना है, अगर आपको गोरा होना है और अपना मुँह अच्छा बनाना है, तो आप इसको खाइए और अपने मुंह की त्वचा अच्छी करिए, अपना चेहरा अच्छा सुंदर और गोरा बनाइए। और बाल देखिए, मैंने अपने बाल कटवा लिए। इस बात से जिन लोगों के बाल बहुत कम आते हैं उन लोगों को ये खाना चाहिए, आपके बालों की बीमारी सही हो जाएगी। ऐसा होता है ना कि एक जगह पे बाल नहीं आते, गड्ढा हो जाता है, यहाँ इस जगह पे बाल नहीं आते, इस जगह पे बाल नहीं आते, इस जगह पे बाल नहीं आते, इसको खाइए, बाल ऐसे आएंगे ना, ऐसे एकदम घने हो जाएंगे आपके बाल।
और बाल घने होना ज्यादा जरूरी भी होता है। आप ये सोच रहे होंगे ओम जी वडू तू इन मधुमक्खियों के बीच में कैसे बैठा है। ऐसा होता है कि जो मधुमक्खियाँ होती है ना ये हमें काटती नहीं है, ये बस अपना फूल चूसने आती हैं। अगर हम उनको परेशान करेंगे तब ये काटेंगी, अभी मैं उनको परेशान नहीं कर रहा, ये बात है। और इससे हमारी आई लाइट आँखों की रोशनी बढ़ती है। जैसे आँखों की रोशनी बढ़ना हुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आजकल के बच्चे जब ऑनलाइन क्लास लेते हैं, मैं भी जब ऑनलाइन क्लास लेता हूँ तो इसको खाता हूँ ताकि जो आई आँखों की आई स्लाइट है ना वो बढ़ जाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लास लेता हूँ। और ये देखिए इतनी मधुमक्खियाँ उस तरफ तो हाँ। और इससे जैसे आपको कान में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनाई बहुत ही ज़्यादा कम देता है, उनको सुनाई ही बहुत कम देता है, तो उनको सुनाई ज़्यादा देना चाहिए क्योंकि अगर हम सुन नहीं पाएंगे, जैसे जिन लोगों को जब हम बोलते हैं ना तो हमें कानों से सुनाई देता है कि हम क्या बोल रहे हैं, अगर लेकिन अगर हमें सुनाई नहीं देगा तो हम बोलेंगे क्यों। इस बात से अगर आप इसको खा, अगर इसका जो पत्तों का रस होता है इसको गूंदी इसको कूटिएगा और फिर जो उसमें से पानी निकलेगा ना उसको एक या दो बूंद डालिएगा ना तो आपके कानों की वो सही हो जाएगी। और मैंने आपको इसके 10 बेनिफिट्स बता चुका हूँ और आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। रुकिए रुकिए रुकिए, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा ना उसको क्लिक कर दीजिए ताकि मैं हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। लाइक करिए और एक कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं आपके कमेंट पढ़ पाऊँ। थैंक यू।